सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई YouTube क्लास में, जिसमें जेईई मेन मैथमेटिक्स का PYQ प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही कवर कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी एनसीईआरटी की मदद से बोर्ड्स लेवल पर क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स सिर्फ 28 वीडियोस, यानी कि पर चैप्टर लगभग एक वीडियो में बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस हमने सब कुछ करा रखा है। तो अगर अभी तक 11th 12th मैथमेटिक्स का कोई आइडिया नहीं है, स्कूल में या कहीं से कुछ नहीं पढ़े हो, देन आपके लिए सीरीज काफी बेस्ट रहने वाला है। और अगर इस सीरीज को फॉलो कर चुके हो या फिर 11th 12th मैथमेटिक्स स्कूल या कहीं और से पढ़ चुके हो, उसके बाद जेईई मेन का प्रिपरेशन करना हो, देन हमारे इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अभी हम लिमिट्स कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज पर चैप्टर हम 30 क्वेश्चन PYQ के रूप में अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। इन 30 क्वेश्चंस को 10-10 क्वेश्चन के तीन पार्ट में ब्रेक करके हर पार्ट का सेपरेट वीडियो ला रहे हैं। जैसे लिमिट्स हमारे पास 31 क्वेश्चन है, तो इसके पहले पार्ट में यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आज हम कवर करेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से 31 तक कर रहे होंगे। क्वेश्चंस कर कहां से रहे, तो हमारे पास मोहित त्यागी सर एंड उनकी टीम की तरफ से कंपटीशन नाम का बुक आता है, जिसमें ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 30 क्वेश्चन PYQ के रूप में दिए गए हैं। इन 30 क्वेश्चंस में उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होते हैं। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कम से कम हर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया बुक बन जाता है, क्योंकि हम कम से कम टाइम में, कम से कम क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स एग्जाम से कुछ दिनों पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं कि भैया हर कॉन्सेप्ट पर कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, आपके लिए भी काफी बढ़िया बुक रहने वाला है। तो अगर बुक परचेस करना हो, देन इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल अगर वीडियो में आगे बढ़े अपने लिमिट से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चालू करते हैं। वही बात है कि पहले तो आप लिमिट पता करोगे, क्योंकि लिमिट बोला गया है एल के बराबर है। फिर उसके बाद आप एल का वैल्यू इसमें पुट करोगे और बताओगे फाइनली इसका वैल्यू क्या है। तो पहले हमें लिमिट यानी कि एल का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि पहले कोई भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म देखो। उससे अच्छा है कि जो एक्स का वैल्यू दिया गया एक्स टेंडिंग टू जीरो है, वो एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो कि डायरेक्टली हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है कि कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है। सॉल्यूशन मिल रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जीरो पुट करते हो, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और नीचे भी जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। तो भैया मतलब कुछ ना कुछ तो हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो अब आप सोचोगे रेशनलाइज करने का, बट रेशनलाइज हो भैया अगर ऊपर, क्योंकि रेशनलाइज में ए माइनस बी का फॉर्म आना चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जहां भी ए माइनस बी का फॉर्म आ रहा है फिर आप ए प्लस बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर अगर ए प्लस बी होता तो ए माइनस बी कर दोगे। तो यहां इससे होता क्या है, फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म क्रिएट होता है। तो आप यहां से साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर क्रिएट कर भी लोगे, कुछ फायदे की बात नहीं है। फिर से वही आना है जीरो बाई जीरो का फॉर्म, रेशनलाइज से कुछ नहीं हो रहा। डिफरेंशिएट करके देखें क्या, डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को करोगे तो वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय अंडर रूट तो नहीं यहां पर आता आपके पास, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय आपका नाइन एक्स स्क्वायर। फिर से देखोगे जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, क्योंकि ये वन होगा, जीरो पुट करोगे ये वन आएगा, ये भी वन आएगा, वन माइनस वन जीरो, यहां भी जीरो, फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर दोबारा एक अच्छा खासा दिक्कत आ जाएगा। तो यहां पे हम इसके बजाय क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं कि हमें पता है, अगर नहीं पता है तो अभी पता चलेगा, एक टेलर सीरीज होता है, ठीक है। टेलर सीरीज के अंदर ऐसे तो बहुत सारे चीजें आती है, लेकिन कुछ जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास साइन एक्स का सीरीज, कॉस एक्स का सीरीज, टेन एक्स का होता है, लेकिन टेन एक्स का भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेन एक्स का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो टेन एक्स का मतलब टेन एक्स का थोड़ा एक पैटर्न देख पाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यूजली टेन एक्स का पूछता भी नहीं है, लेकिन अगर टेन एक्स जानना हो आप गूगल सर्च कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं लिखाऊंगा अभी यहां, ताकि अभी अगर लिमिटेड चीजें भी ग्रास्प करनी हो तो लिमिटेड इतना हो कि जितने भी क्वेश्चन बन सके वो सारी चीजें हमें आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स लिखने का तरीका क्या होता है, अब पहले ये एक फॉर्म बताता हूं, वो लिखो वन प्लस एक्स का पावर वन बाई वन फैक्टोरियल, एक्स का पावर टू बाई टू फैक्टोरियल, एक्स का पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स का पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, इस तरीके से डॉट 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 चलते जाओ। इस पैटर्न से ही आपके टेन एक्स को अगर छोड़ दो
तो बाकी, क्योंकि मैंने बोला ना कि टेन एक्स थोड़ा सा एक अलग आपका पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन ये जो पांचों के पांचों है फिर एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे और सब कुछ इसी में से निकल के आएगा। इसमें आप दो दो टर्म पिक करो, ऑल्टरनेट टर्म्स, वन फिर उसके एक बाद एक छोड़कर ये, फिर ये, और ऐसे ही इसी पैटर्न में जब आप पिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये हमारे पास कॉस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे साइन में कुछ चेंजेस होंगे। कैसे? पहले टर्म्स लिखो, वन फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, देन इसके बाद एक्स का पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, नेक्स्ट आपके पास एक्स का पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। अब इसमें पैटर्न ये होता है कि पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, फिर वापस से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पैटर्न बना दोगे। कॉस एक्स का तो हो गया, अब साइन एक्स का क्या होगा? जो बाकी बचा टर्म रह गया, एक्स का पावर वन को क्या लिखोगे? एक्स बाई वन फैक्टोरियल, या फिर सिर्फ इसे एक्स लिख सकते हो। मैंने सिर्फ पैटर्न दिखाने के लिए लिख दिया है कि यहाँ वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, इस तरीके से फैक्टोरियल चलता है, और ऊपर आप जाओगे तो एक्स का पावर वन टू थ्री। देखो ये भी पैटर्न ही है बेसिकली, वन जो है इसे आप एक्स का पावर जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल लिख सकते हो। देखो जीरो वन टू थ्री, नीचे भी जीरो वन टू थ्री बन गया। एक्स का पावर जीरो क्या होगा? वन। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन, इसलिए ओवरऑल वन बन जाता है। नेक्स्ट लिखोगे एक्स का पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल, इसमें भी आपका साइन चेंजेस होगा, एक्स का पावर वन फैक्टोरियल, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फाइव फैक्टोरियल बाई फाइव फैक्टोरियल, फिर वापस से माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, तो इस तरीके से दोनों में आप यहां से देखो, वन से जो चालू हो रहा है वो कॉस के लिए होता है, एंड एक एक छोड़ करके फिर उसके बाद कॉस के लिए बाकी टर्म्स लिख दो। पहला टर्म हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। ठीक उस तरीके साइन एक्स के लिए भी यही होता है कि बाकी जो टर्म्स बच गए वो टर्म्स लिख दो, पहला टर्म पॉजिटिव, बाकी टर्म माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? जो साइन एक्स का है वही, लेकिन इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। इसे आप एक्स लिख सकते हो, प्लस एक्स थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल, प्लस एक्स का पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव। ठीक कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी यही होता है, हमारे पास हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स का पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो जो साइन एक्स लिखा गया है, टेन इनवर्स एक्स में जो साइन एक्स लिखा गया एग्जैक्टली यही होता है, बस नीचे से फैक्टोरियल का साइन गायब कर दो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, फैक्टोरियल नहीं लगेगा, फाइव बाई फाइव, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये आपको मुझे लगता है अगर याद रहे तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पैटर्न के तौर पे मैंने बताया है। अब इसमें पुट करो वैल्यू, क्या बोला गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई, यहां से नेक्स्ट आपके पास नीचे क्या दिया गया है? थ्री एक्स क्यूब। अभी देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसका वैल्यू पता करना है ना, ये एल के बराबर है। क्या होगा इसका वैल्यू? साइन इनवर्स एक्स का अगर एक्सपेंशन लिखते हो तो लिखोगे एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, माइनस अगर आप टेन इनवर्स एक्स का लिख लो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स का पावर फाइव बाई, अच्छा साइन इनवर्स एक्स लिखना है ना, साइन इनवर्स एक्स तो सारा टर्म पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, सारा कुछ साइन इनवर्स एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स में माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आता है। इस तरीके से चलते जाओगे, नीचे में आपके पास है थ्री एक्स क्यूब। अभी देखो अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स का ग्रुप बनाऊं, यहां से एक्स और ये एक्स आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये प्लस था ये माइनस था। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स के बारे में अगर बात कर लो तो इसमें से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकता हूं और मैं लिख सकता हूं वन बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री। ठीक है, नेक्स्ट
यहां से मैं एक्स का पावर 5 कॉमन निकाल सकता हूं अपॉन 1/5 फैक्टोरियल, फिर यहां से आपका क्या आएगा नेक्स्ट, ये टर्म तो पॉजिटिव है लेकिन यहां माइनस है तो प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट आप एक्स का पावर 7 है, ऐसे ही कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे अपॉन 3x³। अगर आप देखो इस टर्म को इंडिविजुअली अगर इससे डिवाइड करो कुछ इस तरीके से लिख के, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 3 × 2 × 1 = 1/6। इन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 1/2। नीचे क्या लिखा गया 3x³, ठीक है, प्लस इसको डिवाइड किया, नेक्स्ट इसको डिवाइड करो, कुछ कुछ भी यहां चाहे टर्म्स लिखाओ, चाहे 1/5 फैक्टोरियल ही है, -1/5 ही है, नीचे 3x³ है, एंड सो ऑन। आगे भी अगर आप चलते जाओगे यहां देखोगे कि यहां पे x³ और x³ कट गया, आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 1/6। यहां आप देखोगे x³ कटेगा, यहां x² बचेगा। ठीक है, अब x² तो बच गया, इसे ऐसे लिख सकते हो, ये कट गया, यहां बचा सिर्फ और सिर्फ x². सिमिलरली यहां x का पावर 7 था, x³ था हमारे पास, 3x³ है हर जगह। ठीक है, सभी में नीचे से पूरा x कट जाएगा, ऊपर x का कुछ पावर बच जाएगा, और x हमारे पास क्या टेंड कर रहा है, x हमारे पास है 0, 0 टेंड कर रहा है, यानी 0 बहुत ही छोटा वैल्यू, लगभग 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 0 ही बनेगा आगे। तो x में जहां भी ऊपर पावर बच जाएगा, यानी कि इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स है सभी में ऊपर 0 बचेगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा सारे टर्म्स, हमारे पास आएगा सिर्फ 1/6। ये लिमिट एल का वैल्यू है, आपसे पूछा जा रहा है 6l+1, एल का वैल्यू क्या आया था 1/6 + 1, ये हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, 11 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। बोला गया लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया है, एफ डैश 2 का वैल्यू दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस लिमिट का आप वैल्यू बताओ। देखो एफ टू का वैल्यू 4, एफ डैश 2 का वैल्यू 1, पूछा जा रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, x² f2 -4x, x - 2। पहले अगर आप लिमिट निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हो, फिर देखते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो वैल्यू अगर पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास 2, अगर यहां पुट करते हो 2 का स्क्वायर 4, एफ ऑफ 2 का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया गया है, -4, अब एक्स की जगह यहां 2 डालोगे तो ये भी एफ ऑफ 2 बन जाएगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू अगेन आपके पास 4 मिला। नीचे क्या है एक्स, एक्स क्या है 2, 2 - 2, 0, ये भी 16 - 16 0, 0 by 0 का फॉर्म बन रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम या तो एल ऑपिटल रूल लगाएंगे या फिर रेशनलाइज करेंगे। एल ऑपिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एल ऑपिटल का मेरे पास ज्यादा चांस लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहां डिफरेंशिएशन में कुछ एक वैल्यू दिया गया है, तो एल ऑपिटल की तरफ ही पहले बढ़ेंगे। डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर देखो एफ ऑफ 2 तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल थोड़ी है, आप बोलोगे एफ एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का एक वैल्यू तो फिक्स कर दिया गया 2, जब उसमें वैल्यू फिक्स कर दोगे तो ओवरऑल फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा, हर बार कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा, इसलिए एफ ऑफ 2 एक कॉन्स्टेंट है, जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, एफ ऑफ 2 पहले कॉन्स्टेंट लिख दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x - 4, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा और -2 तो 0 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 × f(2) का वैल्यू क्या दिया गया है 4, एक्स का वैल्यू ले रहे हैं 2 - 4, एक्स की जगह क्या है 2, f(2) का वैल्यू क्या है 1 बाई, नीचे तो 1 है, ये हो गया 16, ये हो गया -4, आ गया हमारे पास 12, 12 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। तो हमारे पास कुछ एक लिमिट दिया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक
ठीक है, यहां से आपको पता करना है कि इसका क्या वैल्यू आएगा। तो हमेशा से मैं कहता हूं कि पहले जो आपका लिमिट का वैल्यू दिया गया है वो लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, पूरा सॉल्व करो। अगर कुछ दिक्कत आती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, तब हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर 2 का वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, एन इक्वल्स टू 1, 9 2 बाई, यहां अगर 2 पुट करता हूं ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 4, इसे हटा दो। फाइनली अगर एक्सपैंड करो 4n² + 4n + 8n, यहां से 8n + 4 + 4, यहां से +4, और ये एक +4 यहां दिया गया है, सबको ऐड कर दो। तो 4n और 8n हो जाएगा 12n, तो ये हो जाएगा 8, 12n + 8। अभी अगर आप देखो तो 4 यहां से 2 को ऊपर नीचे काट सकता हूं, 2 अगर कॉमन लिया तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा 2, ये 6 और ये 4। ठीक है, अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाहर 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा n² + 3n + 2। थ्री एन को मैं लिख सकता हूं 2n + n फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अभी यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि इसे मैं लिख सकता हूं n n+2 प्लस यहां से n+2, इसे मैं क्या लिख सकता हूं n+1 n+2। अभी देखो जब भी समेशन वाला ऐसा कुछ होता है ना तो हम ट्राई करते हैं कि ऊपर किसी का सम डिफरेंस लिख सके, ठीक है, दो टर्म्स का डिफरेंस, ताकि ऐसा डिफरेंस, दो टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करने से क्या हो जाता है कि आपका जब सम में एक्सपेंड करते हो ना, तो एक का पहला टर्म किसी का लास्ट टर्म, किसी का पहला किसी का लास्ट टर्म, ऐसे कैंसिल करते हुए जाता है और सिर्फ दो टर्म बचाता है, शुरू वाले का कोई एक टर्म और लास्ट वाले का कोई एक टर्म। तो 1 को इन दोनों के फॉर्म में, यूजुअली अगर दो चीजें नीचे डिनोमिनेटर प्रोडक्ट में उन दोनों के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूं n+2 - n+1। 1 को ये लिख सकते हैं हम, यहां से एन एन कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 बचेगा, 1/2 बाहर था, n = 1 9। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जब n+2 को इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/n+1 - यहां जब डिवाइड करूंगा n+1 n+1 कैंसिल होगा, बचेगा n+2। अब देखो यहां मैं क्या कर सकता हूं, 1/2 बाहर कॉमन ले लो, जब एन का वैल्यू 1 डालोगे, जब एन का वैल्यू आप 1 डालोगे तो यहां आएगा आपके पास 1/2, जब यहां आएगा 1/3, प्लस जब 2 डालोगे तो 1/3 - 1/4 डॉट डॉट डॉट। फाइनली जब आप 9 डालोगे तो 1/10 - 1/11। देखो ये 3 कट गया, मतलब इसका लास्ट टर्म किसी के फर्स्ट टर्म से कटा है, इसका लास्ट टर्म किसी के फर्स्ट टर्म को काटेगा, ठीक उसी तरीके से इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, किसी के लास्ट टर्म से कटा होगा। तो मेरे पास जो बच जाएगा 1/2 - 1/11, 1/2 बाहर कॉमन था, 1/2 - 1/11, 1/2 11 - 2/22, ये हो जाएगा 9/44, 13 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। आपसे बोला गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप इसका वैल्यू बताओ, ठीक है, ए और बी, इसमें ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो देखो जब भी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, इसमें सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम बोलते हैं भैया इन्फिनिटी जैसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो हम एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो हमें पता है। हम एक्स को 0 ले लेते हैं, यानी कि आप एक टी टर्म ले लो, टी इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, टी इक्वल्स टू आप 1/x ले लो, ये बन जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू 0, क्योंकि जब एक्स इंफिनिटी होगा टी 0 होगा, ये बन जाएगा क्यू
क्योंकि जब ये एक्स होगा, एक्स इक्वल टू वन बाई टी लिख सकते, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी, ठीक इसी तरीके से माइनस ए बाई टी इक्वल्स टू बी, ये दिया गया है। इसे मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, सभी को ऊपर लेके जाऊं, इसको भी टी स्क्वायर कर दूं, ये क्या हो जाएगा टी, और यहां टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये बेसिकली हो गया मेरे पास वन माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, वन माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर को तो मैं भैया बाहर लेके आ सकता हूं, रूट के बाहर तो सिर्फ टी बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां से अगर आप देख लो, यहां भी टी आप कॉमन ले सकते हो इस तरीके से, माइनस ए, अब देखो यहां पे अगर लिमिट का वैल्यू पुट करते हो तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर अगर पुट करोगे टी की जगह जीरो चला जाएगा, ये आएगा सिर्फ अंडर रूट वन, यानी कि वन माइनस ए बाई जीरो। अब वन, अब चाहे यहां कुछ भी वैल्यू रहे, चाहे यहां कुछ भी वैल्यू रहे, हम जानते हैं अगर नीचे जीरो बन रहा है तो एक अनडिफाइंड टर्म बनेगा, कम से कम भैया अगर इनडिटरमाइंड टर्म भी होता, क्योंकि वन बाई जीरो के साथ हमारी कोई शिकायतें नहीं होती है, वन बाई जीरो जीरो हम सीधा बोल दें कि एक अनडिफाइंड है, सबको वही वैल्यू ही नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर हम बात कर लें कि अगर इनडिटरमाइंड टर्म बनता तो हम बोलते हैं कि बीच में कुछ वैल्यू रहा होगा जो हम अभी देख नहीं पा रहे, जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुछ रहा होगा। तो इस तरीके से इसको फिर फर्दर सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ए और बी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो यानी कि इसका भी कुछ वैल्यू रहा होगा ए का, लेकिन अगर ये ऊपर जीरो नहीं बना, ऊपर अगर न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू मिल गया तो ये न्यूमरेटर में अगर कुछ वैल्यू मिल जाता है नीचे जीरो बन जाता है, ये आपका एक अनडिफाइंड टर्म बन जाता है। तो इसे हमें अनडिफाइंड नहीं होने देना है, तो अगर बोल देते हैं अगर नीचे जीरो है तो ऊपर भी जीरो बन रहा होगा, तो यानी कि ए माइनस ए को हम जीरो कह दे तो ए इक्वल्स टू वन हो जाएगा। तो अब या तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ए हमारे पास पहला टर्म है तो यहां वन है और यहां वन है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, ए का वैल्यू मिल गया मुझे, ए की जगह वन डाल दो। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू अपने पास किसका, बी का। तो देखो जब भी हम जानते हैं कि ऊपर अगर अभी, अब तो हमने इसे जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना दिया, तो अब या तो रेशनलाइज करोगे, एल ऑपिटल लगाओगे, एल ऑपिटल लगाओगे तो रूट के लिए हम यूजुअली डिफरेंशिएट करना प्रेफर नहीं करते, रूट के लिए हम क्या करना प्रेफर करते हैं कि रूट के लिए रेशनलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर रूट ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करना भी आसान हो गया, ए माइनस बी का फॉर्म भी है, रूट भी है, रूट स्क्वायर होकर कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख दोगे कि आपके पास लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो वन माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी, इसे आप लिख दोगे वन माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस, ये ए माइनस बी था, ए माइनस बी, तो यहां ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दिस टर्म का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा और वन के स्क्वायर ये तो वन ही रहेगा। ध्यान रखना माइनस वन का स्क्वायर नहीं करते, वन का स्क्वायर करते हैं सिर्फ, और ये टर्म इसमें आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से ये माइनस वन और वन चला जाएगा, टी स्क्वायर को अगर आगे लिख दो तो यहां से टी कॉमन निकालोगे तो इसे टी माइनस वन लिख सकते हो, टी से ये टी चला गया कैंसल, ऊपर नीचे कट के कॉमन था। अब वैल्यू पुट करके देखो, अभी भी हमारे पास कोई अनडिफाइंड टर्म आ रहा है, क्या बन रहा है, इनडिटरमाइंड है, अनडिफाइंड है, क्या है, जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन, जीरो पुट करोगे तो ये दोनों जीरो, ये सिर्फ बचा वन प्लस वन नीचे टू माइनस वन बाई टू, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी के बराबर है, इसका वैल्यू आ रहा है माइनस वन बाई टू, यानी कि बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो ये है 14 का ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लें, तो यहां आपसे एक्सटेंडिंग टू जीरो इसका वैल्यू पूछा है भैया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर पाई कॉस फोर एक्स
बाई एक्स का पावर 4। देखो यहां अगर आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा, कॉस 4x, ठीक है, x की जगह 0 डाल रहे हो, तो कॉस 0 कहां, कॉस 0 क्या होता है 1, और इसका पावर 4 भी लगाया तो 1 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1, पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा पाई, और साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है 0, तो साइन स्क्वायर पाई क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी क्या आ जाएगा 0, तो ये फॉर्म बन रहा है। तो अब इसे या तो रैशनलाइज कर दोगे या फिर आप कर दोगे कि एल ऑपिटल रूल लगा दो, लेकिन रैशनलाइज करने के लिए ए माइनस बी का फॉर्म चाहिए जो कि यहाँ है नहीं। अगर एल ऑपिटल लगाए तो डिफ्रेंशिएट करते करते काफी लंबा चौड़ा वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ साइन का वैल्यू अभी भी रहेगा, और नीचे एक्स के पावर्स खत्म करने में बहुत टाइम लगेंगे। पहले आप 4x³ पे जाओगे डिफ्रेंशिएट करके, फिर उसके बाद आप 12x² टाइम लगेगा इसमें भी। तो हम यहाँ साइन वाला फॉर्म एक देख सकते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। लेकिन भैया हमारे पास साइन के अंदर एक्स जो टर्म है वो तो ये है, ये 0 नहीं है क्योंकि हमने पुट किया था, ये वैल्यू 1 आ रहा था, ये पाई इंटू 1 पाई आ रहा है, साइन के अंदर पाई है, साइन के अंदर मेरे पास पाई आ रहा है, ये तो 0 नहीं है। लेकिन मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं, स्क्वायर को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन के पूरे का स्क्वायर है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब अंदर क्या बच रहा था, पाई कॉस 4x यही बच रहा था ना, ये आपके पास टर्म दिया गया था, ये साइन के अंदर पाई कॉस 4x, और पूरा निकालने के बाद पूरे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब यही होता है, पूरा का वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर दो। अब साइन तो भैया मेरे पास साइन यहां पे एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये टेंडिंग टू 0 नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, तो पाई माइनस पाई कॉस 4x, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये मेरे पास थीटा था अंदर में, साइन के अंदर ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा, तो मैंने पाई माइनस थीटा लिख दिया, वैल्यू अभी भी सेम है। लेकिन अब ये 0 कैसे है, क्योंकि कॉस यहां आप 0 डाल रहे हो, तो ये 1 आ जा रहा है, पाई इंटू 1 पाई हो जा रहा है, ये पाई हो जा रहा है, और यहाँ पाई मैंने अलग से माइनस किया, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो अब साइन के अंदर 0 है, ठीक है। तो अब ये 1 बन सके, इसलिए यही टर्म नीचे डिवाइड करो और ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, और इसका ऊपर से स्क्वायर, क्यों स्क्वायर बताता हूं, देखो सबसे पहली बात, आप ये चीज इसलिए किया गया है क्योंकि साइन, इसे अगर आप एक्स बोलते हो क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, और ये मेरे पास वो है जो टर्म 0 है, तो अगर ये एक्स साइन एक्स बाई एक्स, जो एक साइन के अंदर वही साइन के नीचे भी होना चाहिए, तो जो इसके अंदर था वही इसके नीचे कर दिया। अब नीचे अकेले तो नहीं करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये टर्म आपके पास ओवरऑल 1 बन जाएगा। एक्चुअली साइन एक्स बाई एक्स आपके पास 1 होता है, तो यहां तो साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 ही रहेगा, इसे ओवरऑल आप 1 कह सकते हो, ठीक है। अब इसे स्क्वायर में से आप पाई कॉमन निकाल सकते हो, बाहर पाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x हो गया, कॉस का पावर 4 है ना, कॉस का पावर 4 है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस कॉस 4x को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 4x को आप लिख सकते हो क्योंकि देखो अब अगर आप 0 बाय 0 पुट करोगे ना, अभी भी क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये भी नीचे 0, 0 बाय 0 फॉर्म अभी भी बन रहा है, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर पूरे पे लगाओ जो भी टर्म हम लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 4x को मैं ब्रेक कर सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को अगर 1 बोल दूं और बी को अगर कॉस स्क्वायर एक्स बोल दूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ए माइनस बी लिख सकते हो, यानी कि ये। अब इसे भी आप ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हो, यानी कि
कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इतना भाई एक्स का पावर 4 दिया गया है। अभी अगर आप देख लो एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करना हो उसके पहले, ये देखो यहां तो आप 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये 1 बनेगा 1 प्लस 1 2, ठीक, ये भी 1 प्लस 1 2, इसका ये तो अभी भी 0 बन रहा है भैया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का पावर 4। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और अगर मेरे पास ये फॉर्म मिल जाए 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर तो ये हो जाता 1/2। मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ये स्क्वायर को एक काम करो अभी इतने में डालो और इसका स्क्वायर अलग से लिखो, टर्म तो अभी भी वही है, इस एक्स का पावर 4 को मुझे इसके साथ लेके जाना है, इसलिए इसे मैंने अलग लिखा अभी, ठीक है। इस पूरे को अपने आप में रहने दो, इस एक्स के पावर 4 को इसके साथ लेके चले जाओ। एक्स के पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके साथ भी है और इसका भी स्क्वायर होगा तो एक्स का पावर 4 बन जाएगा। अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। अब यहां से देख लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जब 0 पुट करोगे तो ये ओवरऑल 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, ठीक। 1 प्लस कॉस एक्स भी ऐसे ही 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये 4 का स्क्वायर लगाया गया यानी कि 4 इंटू 4, एक्स कटेगा बचेगा सिर्फ 4 और यहां पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले तो बोला गया है लेट एफएक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफएक्स का वैल्यू दिया गया है, मतलब एफएक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स में यहां एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। देन आपको इसका वैल्यू पता करना है, एफएक्स बाई एक्स माइनस 1 का वैल्यू पता करना है। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसका वैल्यू पता करना, क्योंकि मुझे एफ एक्स नहीं पता तो मैं क्या ही वैल्यू अभी इनपुट करूं, तो इस रिलेशन से एफ एक्स का वैल्यू पहले निकालूंगा। कैसे, क्या दिया गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर 5 प्लस 64। अभी देखो यहां से मैं कुछ अगर बताऊं कि अगर सबसे बड़ा, देखो मानते इसमें एक्स का पावर एन सबसे बड़ा पावर रहा होगा, एफ एक्स इसमें सबसे बड़ा पावर एक्स एन रहा होगा, कुछ मान लेते एक्स का पावर 7 मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए सही नहीं है लेकिन मान लेते एक्स का पावर 7 प्लस 4x6 कुछ ऐसा रहा होगा एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 7x6 प्लस 24 एक्स का पावर 5। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसे करोगे तो 42 एक्स का पावर 5 प्लस यहां से आ जाएगा 120 एक्स का पावर 4। अब देखोगे कि सबसे बड़ा जो पावर है पूरे इक्वेशन में वो एफ एक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसके बाद तो एक पावर इसका गायब भी हो जाता है, सबसे बड़ा वाला पावर, सबसे बड़ा वाला पावर गायब भी होते रहता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सबसे बड़ा पावर एक्स का पावर 5 आ रहा है ये आपका यही से आ रहा होगा, सबसे बड़ा पावर इसी में रहा होगा। आप ये नहीं बोल सकते सबसे बड़ा पावर ये आपस में कैंसिल कर गया होगा, नहीं, कैंसिल करने के लिए कुछ प्लस कुछ माइनस भी तो होना चाहिए, तो मतलब इसमें अगर वो टर्म रहा होगा, अगर कैंसिल करने के लिए सेम वो पावर इसमें भी होना चाहिए, लेकिन वो पावर तो है ही नहीं, एक पावर तो कम हो जाता आते ही, तो यानी कि जो सबसे बड़ा पावर है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सबसे बड़ा पावर को कैंसिल करने के लिए इनमें कुछ टर्म होना चाहिए और इनमें तो वो बड़ा पावर जैसा कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर प्लस हुआ होगा माइनस हुआ होगा तो अलग ही बात है, यानी कि जो आपको पावर दिख रहा है वही सबसे बड़ा पावर है और वो एफ एक्स से बिलोंग करता है। तो अगर हमारे पास सबसे बड़ा पावर एक्स का पावर 5 है तो हम एफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर 5, डिग्री 5 में है, ठीक है। अगला कुछ मान लेते हैं एक्स का पावर 4 भी होगा, उसका कॉन्स्टेंट एक्स का पावर a है, इस तरीके से मतलब अगर एक्स के पावर 5 तक गए तो एक्स का पावर 4 क्यूब 2 1, एक्स का पावर 1 और 0 होने के भी चांसेज है, चांसेज है, लेकिन भैया आपने तो एग्जैक्टली लिख दिया। सोचो कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाए, a का वैल्यू अगर 0 कर दूं तो एक्स का पावर 4 गया ना,
तो ये आपके पास केस है कि अगर ए का वैल्यू कुछ हुआ तो आपको मिल जाएगा एक्स का पावर फोर कितना था, और अगर नहीं मिला तो एक्स का पावर फोर नहीं था। केस तो हम बना ही सकते कि था या नहीं था। 5ax4 bx³ cx² dx + e, ठीक है। फाइनल एक कॉन्स्टेंट टर्म जहां पे एक्स का कोई पावर नहीं हो वहां तक हम जाते हैं। अब इसका अगर एफ डैश एक्स कर लोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5x का पावर 4, एक के नीचे एक लिखूंगा, इसका 5x का पावर 4, मतलब पावर जहां सेम सेम है। क्यों, इन सभी को ऐड करना है, ऐड कर रहे हो, मेरे पास सेम पावर को आसानी होगी। यहां से क्या आएगा, 4ax³, ये हो जाएगा 3bx², ये हो जाएगा 2cx+d। एफ डबल डैश एक्स करोगे तो यहां से 5x का पावर 4 क्या हो जाएगा, 20x³, यानी इसके नीचे आएगा। नेक्स्ट इसे अगर करोगे तो 12ax², इसे करोगे तो 6bx, इसे करोगे तो 2c, और तो कुछ है नहीं। अब इन तीनों को ऐड करके हमारे पास ये आ रहा है। तो देखो ये x का पावर 5 तो ठीक है, बराबर है, वो हमने ऑलरेडी पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। यहां से देख लो, अगर पावर फोर हमारे पास यहां से ए है, एक एक्स का पावर फोर के साथ यहां ए है, यहां फाइव है, और इधर कितना है, जीरो। इधर तो पावर फोर में कुछ है ही नहीं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं a=-5। नेक्स्ट पावर थ्री में अगर देख लो, हमारे पास है यहां पे b+4a+20=, फिर से x³ कुछ नहीं है, ये जीरो। 4a क्या है हमारे पास, a क्या है, -5, तो 4a क्या हो जाएगा, -20। -20 20 क्या हो गया, खत्म। तो b का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। e तक का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। अब c के लिए देख ले, एक्स स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। यहां पे है c, एक्स स्क्वायर के साथ है 3b, और यहां है 12a। 3b+12a=, एक्स स्क्वायर का टर्म यहां अभी भी नहीं है, ये भी जीरो। तो c+3b कितना है, b तो जीरो है, तो जीरो हो गया, और a कितना है, -5। तो 12 × -5 मैं बोल सकता हूं -60। टोटल हो गया -60=0, तो c=60। ठीक है, अब ये पावर एक्स के पावर्स को कंपेयर कर लो तो d+2c+6b=, एक्स के पावर भी कुछ नहीं है तो ये भी जीरो है। d+2c कितना हो जाएगा, 2 × 60 120, 6b, ये तो जीरो है, b जीरो है, तो ये हो गया d=-120। अब यहां लास्ट वाला टर्म देख लो, e+d+2c=, क्या है हमारे पास इधर, 64, बिना x वाला टर्म। d का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, -120। 2c क्या हो जाएगा, 120, ठीक है, = 64। ये दोनों कैंसिल होगा और फाइनली हमारे पास बचेगा e=64। तो अब आपको एफ एक्स का फाइनल वैल्यू मिल सकता है। इरेज नहीं करेंगे हम कुछ, हो सकता है काम पड़ जाए बाद में। ए की जगह कर दूंगा -5, तो ये हो जाएगा -5x का पावर 4। बी की जगह तो जीरो है, तो बी वाला टर्म ही पूरा हट गया, यहां से बी का टर्म हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सी कितना है, 60, डी कितना है, -120, और ई कितना है आपके पास, 64। ठीक है, अभी देखो
पहले अपना जो लिमिट का वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू वन वो पुट करके देखते हैं। तो यहां से एफ एक्स का पहले वैल्यू क्या आएगा जब वन डालोगे, क्योंकि जब लिमिट जब मिल गया सारा फंक्शन तो वैल्यू पुटिंग चालू करते हैं, फिर देखते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म है कि क्या आ रहा है। वन पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां वन, इसे इरेज कर दो, इसका काम हो चुका है अब हमारा। वन माइनस फाइव प्लस 60 और यहां से माइनस 120 प्लस 64, ये हो गया माइनस 60 और ये सब मिला के हो गया माइनस 64। ऊपर बना हमारे पास जीरो और एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, ये भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाए। तो अब हम लगा सकते हैं एलोपिटल रूल या फिर रेशनलाइजेशन। नीचे भले ही हमारे पास ए माइनस बी वगैरह का फॉर्म दिया गया हो, नीचे भले ही हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्म दिया गया हो, लेकिन स्टिल हम यूज नहीं करेंगे। क्यों रेशनलाइजेशन इसलिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करते भी हो इसे कर दो एक्स प्लस वन और ऊपर भी कर दो एक्स प्लस वन, अभी भी क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा, वन माइनस वन अभी भी जीरो रहेगा। ऊपर अभी भी एफ एक्स है जो कि जीरो बन रहा है, तो अभी भी वही फॉर्म रहेगा। और दूसरी बात, जब हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स वगैरह का हमने जब बात किया है, तो इनके फॉर्म में कुछ डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि हमारा होता है एल ऑपिटल रूल। तो न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स और ये डिनोमिनेटर करोगे तो यहां से वन माइनस जीरो वन। चलो एफ डैश एक्स का अगर वैल्यू निकाल ले तो डालते हैं वन इसमें पुट करें, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से फाइव प्लस यहां से ए का वैल्यू क्या है, फोर ए का वैल्यू अगर पुट करोगे, ए है मेरे पास माइनस पांच तो हो जाएगा माइनस बीस, सी कितना है 60 तो ये कितना हो जाएगा 120, डी कितना है मेरे पास माइनस 120। वैल्यू पुट करना चालू करो, सबसे पहले आपने एफ डैश एक्स में यहां एक्स की जगह वन पुट किया, फाइव माइनस 20 प्लस 120 यहां से और माइनस 120 बाई वन, ये दोनों गया, पांच माइनस बीस हुआ हमारे पास माइनस 15। 16 का ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें, तो बोला क्या भैया कि आप एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू इसका वैल्यू बता दो। तो अगेन वही बात है कि अगर आप वैल्यू पुट करके देखो आपको क्या मिलेगा, आप यहां अगर देख लो पाई बाई टू पुट करने से क्या मिलेगा, साइन एक्स यहाँ पे वन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा टू, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये टू प्लस थ्री तो ये भी वन ही रहेगा, साइन एक्स पाई बाई टू पे वन ही रहता है, प्लस फोर का पावर वन बाई टू माइनस यहां से आ जाएगा आपके पास वन प्लस सिक्स प्लस टू, ये अगर देख लो तो ये आपके पास है नाइन और ये भी है नाइन, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या दे देगा नाइन, रूट नाइन माइनस रूट नाइन जीरो हो गया। और इधर क्या है टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पाई बाई टू अगर डालोगे आपका टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, तो स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होगा, तो लगभग इन्फिनिटी के आसपास का वैल्यू इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये भी हमारे पास एक इंडिटरमाइंड टर्म होता है, क्योंकि इसका किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो होता है, किसी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी होता है, तो इसे आप जीरो बोलोगे कि इन्फिनिटी बोलोगे हमें नहीं पता, इसलिए एक इंडिटरमाइंड टर्म है। तो पहले इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे कि ये टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर, इतना को अगर मैं अभी के लिए ए बोल दूं, इसे मैं अगर बी बोल दूं, ठीक है इसे अगर मैं ए और इसे बी बोल देता हूं, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स रूट ए माइनस रूट बी, ये लिखा गया बेसिकली। अब यहां अगर आप देख लो ये अपना अलग मल्टीप्लाइड है, ये अलग मल्टीप्लाइड है, अब अगर आप देख लो तो ये जीरो बन रहा है इन्फिनिटी, जीरो बाय इन्फिनिटी, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे भैया सिंप्लीफाई, यहां पुट करो आप रूट ए प्लस रूट बी और यहां भी ऊपर पुट करो रूट ए प्लस रूट बी। अगर आप इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा फॉर्म के रूप में देख रहे हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
अब ए मेरे पास क्या है, रूट ए, तो उसका स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्क्वायर आपका बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी, अब ये बेसिकली ए क्या है हमारे पास, ए यहां से यहां तक है और बी यहां से यहां तक है। अगर ए माइनस बी कर दो तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स घटाओ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट थ्री साइन एक्स में से सिक्स साइन एक्स घटाओ माइनस थ्री साइन एक्स, और फोर में से टू घटा दो बचेगा आपके पास टू। ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ऑलरेडी हमने देख लिया था कि इसमें वैल्यू पुट करने से पाई बाय टू, ये अंडर रूट नाइन आ रहा था, ये भी अंडर रूट नाइन, तो आप बेसिकली इसे थ्री प्लस थ्री सिक्स लिख सकते हो, पूरे में डिवाइडेड सिक्स। अब सिक्स एक कॉन्स्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, सिक्स बाहर लेके आ जाओ। सिक्स हम बाहर वन बाई सिक्स के रूप में लेके आ गए, अभी भी अगर पाई बाय टू का वैल्यू पुट करोगे ये इन्फिनिटी आएगा और ये हमारा जीरो आएगा, क्यों, वन प्लस टू थ्री और ये माइनस थ्री, अभी भी इन्फिनिटी इंटू जीरो। तो और थोड़ा हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये लिखा गया ना देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स को मैं माइनस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, और ये प्लस टू तो दिया ही गया है, यहां से फैक्टराइज करने के लिए मैंने लिखा है, तो इसे लिख सकते हो साइन एक्स आपका साइन एक्स माइनस टू माइनस वन साइन एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस वन और साइन एक्स माइनस टू, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसे लिख देते हैं अब इसी फॉर्म में, ठीक है। अभी टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये सारी चीजें कैंसिल होने के कगार पे कम से कम आ जाए, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं इसे ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस साइन एक्स और ए प्लस साइन एक्स, तो यहां से ये वन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स माइनस वन अगर कैंसिल होगा बाहर एक माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स माइनस वन है, माइनस साइन बाहर लोगे तो वन माइनस साइन एक्स बनेगा, तब जाके ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। अभी अगर मैं वैल्यूज पुट करना चालू कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई टू पे हमारे पास ये हो जाएगा वन माइनस वन, यहां साइन एक्स की जगह वन पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा वन माइनस टू माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा वन, और नीचे डिनोमिनेटर में था वन प्लस साइन एक्स, ये भी हो जाएगा वन, वन प्लस वन हो जाएगा हमारे पास टू, हमारे पास आया वन बाई टू, और इधर वन बाई सिक्स पहले से था, मल्टीप्लाई हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व, 17 का ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें, तो क्या दिया गया हमारे पास, अगेन इसका लिमिट का वैल्यू पता करना है, तो सबसे पहले आप जीरो डाल के देखो, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाए जीरो पे हो जाता है जीरो, तो ये बेसिकली बन जाएगा कॉस जीरो माइनस, यहां भी जीरो डालोगे कॉस जीरो बाई जीरो, ये भी ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। अब या तो इसे हटाने के लिए आप रेशनलाइज करोगे क्योंकि ऊपर ए माइनस बी का फॉर्म है, लेकिन साइन एक्स भी अंदर में है तो इसमें थोड़ा सा हटाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या फिर आप कर सकते हो कि एलोपिटल लगा दो, लेकिन एलोपिटल भी लगाओगे एक अच्छा खासा लंबा चेन में हमें चलना पड़ेगा, ऊपर भी साइन एक्स अंदर फंसा पड़ा है, तो
नीचे भी एक्स का पावर 4 है, तो पहले साइन एक्स को थोड़ा फ्री करते हैं ताकि मेरे लिए डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा आसान हो जाए, बार बार एक चेन में हम फंसते हुए ना चले जाएं, वरना अगर इसे एक्सपेंड करो एक चेन में फंसते चले जाओगे कि कितना भी हम एलोपिटल लगा रहे हैं सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यही दिया गया है कॉस एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स का पावर 4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या है कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ए माइन, आपके पास कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्म दिया गया है। ठीक है, या फिर देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू आपके पास कॉस बी माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अगर इसी फॉर्मेट में अगर हम इसे लिख दें, यानी कि साइन इस पार्ट को अगर हम बी बोल देते हैं, जो माइनस के साथ है उसे अगर हम ए बोल देते हैं, तो हम डायरेक्टली से पुट कर सकते हैं वैल्यूज। ये हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ए प्लस बी बाई टू अगर लिखोगे, ए हमारे पास ये है और ये मतलब एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस साइन एक्स। ये आ गया इसकी जगह, इसे फिर से लिख दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अपॉन एक्स का पावर 4। ठीक है, अपॉन एक्स का पावर 4। अब देखो अभी हमें क्या करना है, अभी आपके पास अगर अभी वैल्यू डालते हो एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये भी 0 ये भी 0, अभी भी ये 0 ही बनेगा, नीचे भी 0 ये भी 0 ये भी 0, अभी भी अंदर 0 साइन भी 0, अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब ये हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म हो, यानी कि एक्स साइन के अंदर जो टर्म है अगर वो टेंड टू 0 कर रहा है, 0 के बराबर में है, और नीचे भी वैसा कुछ टर्म है, तो इसे हम 1 कह देते हैं। तो ऊपर तो हमारे जो साइन के अंदर में है वो आपके पास 0 बन रहा है, ठीक है, तो नीचे भी अगर वैसा टर्म क्रिएट कर दे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म से। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ये नीचे जो लिखोगे और ये टर्म मिलाकर आपके पास 1 हो जाएगा। चलो लिखना चालू करते हैं, एक्स का पावर 4 को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, इसका टर्म अगर लिख लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, सेम मल्टीप्लाई यहां भी वही करोगे एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, इसके लिए भी एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहां भी एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। अभी देखो ये टर्म आपके पास 1 हो जाएगा क्योंकि ये टेंड टू 0 कर रहा है दोनों का दोनों, और ये टर्म भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 बाई एक्स का पावर 4। ठीक है, यहां से एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, यहां से एक टू को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा एक टू, इसे आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स का पावर 4। ठीक है, अब आपके पास ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक सिंपल टर्म में आ गया। अब अपना एक्सटेंडिंग टू 0 इसमें पुट करके देखो, अभी भी ये 0 - 0/0 यही फॉर्म बन रहा है। अब आप एलोपिटल इस पे अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट करना अब आसान हो चुका है मेरे लिए। पुट करो इसमें, सबसे पहले अगर लगाते हो ऊपर डिफरेंशिएट करते हो 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स को करोगे तो पहले तो 2 साइन एक्स आएगा, फिर साइन एक्स को करोगे तो कॉस एक्स आएगा। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट इसे अगर करोगे तो 8x³ हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन 2x, ठीक है, साइन 2x बाई 8x³। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब वैल्यू पुट करके देखो, अभी भी हमारे पास वही दिक्कत है कि यहां पे पुट करने से जीरो, ये भी जीरो, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं जीरो ही बन रहा है। एक बार और एलोपिटल इस पे अप्लाई करो तो 2x हो जाएगा 2 और माइनस साइन 2x हो जाएगा माइनस कॉस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, साइन 2x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 2x हो जाएगा प्लस कॉस 2x, और अब अंदर वाले 2x का करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो हमने यहां लिख दिया। नीचे आया हमारे पास 8x³ था ना, तो क्यूब भी बाहर गया तो 24x². अब यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 24x² लिखा गया है। देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होता है 1/2 अगर x टेंडिंग टू 0 हो, तो ठीक है x टेंडिंग टू 0 है तो 2x भी टेंडिंग टू 0 है, तो हम 2x को अपना x बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह यहां से क्या आना चाहिए, 4x² जो इसके साथ पेयर कर सके, तो 24 को मैं 6 × 4 लिख सकता हूं। अब ये 4x² तो इसके साथ पेयर कर लेगा, 6 बाहर आ जाएगा, 2/6 लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 1 प्लस कॉस, अंदर में 2x हो चाहे जो भी हो, सेम टर्म अगर नीचे उसका स्क्वायर हो तो, और वो टर्म टेंडिंग टू 0 हो तो यहां पे 1/2 बन जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/6, हमारे पास फाइनल आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के साथ स्टार्ट कर ले। तो बोला गया है वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट का वैल्यू बता दो, तो फिर वही बात की पहले एक्स का वैल्यू 1 आप पुट करके देखोगे, तो 1 जैसे हम पुट करने की कोशिश करते हैं यहां पे भी 0, ये भी आपके पास अगेन 0 क्योंकि साइन पाई आएगा, पाई 0 ही होता है, यहां 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 नीचे भी 0, तो हम क्या कर सकते हैं एलोपिटल वगैरह लगाओगे, अपना रेशनलाइज कुछ भी करोगे, लेकिन जब भी साइन वाला होता है ना तो एक बार देखते हैं साइन अगर हमारा सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं, लेकिन भैया साइन तो तब सॉल्व होता है ना जब ये हो x बाई एक्स और x टेंडिंग टू 0 हो, लेकिन यहां तो हमारे पास साइन के अंदर पाई है, लेकिन आप ये भी तो लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो x² - 1, क्योंकि ये 0 होना चाहिए अंदर वाला टर्म, लेकिन हमारे पास पाई है तो ये कैसे लगा दें हम, तो इसे हम ऐसे करेंगे पहले साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई एक्स, क्यों मैंने बोला था अगर इसे थीटा मान के चलते हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा होता है, तो अभी भी ये वैल्यू वही है, लेकिन पहले ये आपका पाई दे रहा था और अभी हमने पाई अलग से इंट्रोड्यूस किया तो पाई माइनस पाई एक्स आपका 0 बन रहा है, तो अब हमारे पास फाइनली साइन के अंदर 0 वाला फॉर्म है, एक्स का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 2x - 1। अब यही वाला टर्म अगर नीचे लिख दे पाई माइनस पाई एक्स, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो आप देखोगे कि ये आपके पास इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, ठीक है, अब जाके आपके पास ये वैल्यू 1 दे देगा, ये आपका 1 ही होता है ना अगर एक्सटेंडिंग टू 0 हो, भले इसका स्क्वायर लगा हुआ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही वैल्यू मिलेगा आपको। तो अब इसे कैसे लिख सकते हो, यहां से पाई कॉमन लेके आओगे बाहर आएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, नीचे वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को देखो, तो मैं इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं, फैक्टराइज करने के लिए देखो x का पावर 4 बहुत बड़ा आपका टर्म होता है, फैक्टराइज अगर करने जाओ, क्योंकि यूजुअली फैक्टराइज में ही इस तरीके के टर्म्स, क्योंकि लिमिट्स में जो होता है ना कि पूरा सॉल्व नहीं करते, ऊपर नीचे कटता है टर्म्स, तो यानी कि फैक्टराइज तो होगा, इसके फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा, 1 - x, x² - 1 इसके फॉर्म में कुछ ना कुछ बनेगा, यानी कि 1 इसका कहीं ना कहीं फैक्टर बन रहा होगा। तो अभी आप देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं पहले जितना सिंपल से सिंपल हो सके इसे एक्सपैंड करो,
एक्स का पावर 4 - 2x³ को लिख दो आप, x³ - x³ जितना एक्सपैंड कर सकते हो, ये होता है ना आपका -2x³ होगा। ठीक उस तरीके से 2x को भी अगर एक्सपैंड करो तो x + x - 1। अब कॉमन लेने की कोशिश करो, पहले अगर इसमें से कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x³, यहां आ जाएगा आपके पास x - 1। इन दोनों में से अगर कॉमन ले लो -x, तो अंदर आपके पास आएगा x² - 1। यहां से 1 कॉमन ले लो तो आएगा x - 1। अब यहां से इन दोनों में से अगर देख लो तो x³ + 1 और x - 1 कॉमन है, और साफ सुथरे तरीके से लिखो x³ + 1 और x - 1 माइनस एक्स। x² - 1 को क्या लिख सकते हो, x+1 x - 1। ठीक है, a² - b² से a+b a-b। अब इसमें भी x - 1 कॉमन है, तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले x-1 बाहर कॉमन ले लो, इसमें से क्या टर्म बच गया x³ + 1, इसमें से क्या बच गया हमारे पास -x x+1। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, हो गया x² यहां से हमारे पास आ जाता है -x² - x। अभी ऊपर वाला क्लियर करो, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा कुछ कॉमन ले चुके हैं, ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं। x-1 पहले से आ रहा था, ये अलग है अभी, अभी हम इसे ही सॉल्व करें। x-1 आ रहा था, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x³ - x² - x+1। यहां से x-1, यहां से अब कॉमन ले लो x² तो आपके पास आएगा x-1, यहां से -1 कॉमन ले लो x-1, x-1 पहले से था, यहां से x² - 1 कॉमन ले लो और x-1। ठीक है, ये टर्म आपके पास बचा, ये आप देख पा रहे हो क्या कि ये x-1 यहां जाके x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x² - 1 ऑलरेडी बचा हुआ है। तो जब हमने इसे अपना फैक्टराइज किया, थोड़ा सॉल्व किया, तो ये फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, x-1 का होल स्क्वायर और x² - 1, जो कि अगर आप देखोगे x-1 के होल स्क्वायर से ये 1 - x का होल स्क्वायर कट गया। लेकिन भैया ऊपर तो 1 - x का होल स्क्वायर, यहाँ x-1 का होल स्क्वायर है। अरे यार किसी में से भी एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लो और वो नेगेटिव जब स्क्वायर के बाहर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि a-b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b-a का होल स्क्वायर होता है, इसलिए काट दिया हमने। और x² - 1 x² - 1 यहां से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास π² 19 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले। क्या है हमारे पास, हमें दिया गया है कि इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, n² - n-1 + n α + β इक्वल टू 0, देन एट α + β का वैल्यू, अल्फा और बीटा का वैल्यू बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया इन्फिनिटी हो पहले उसको जीरो में कन्वर्ट करो, तो हम बोल देंगे 1/x = n या फिर n = 1/n = x, कुछ ये लिख दो। यानी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं x जो कि n का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा, लिमिट, इसे अलग पेज में सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जब एन आपके पास इन्फिनिटी होगा तो एक्स क्या हो जाएगा 1/n, यानी कि 1/∞=0, एक्सटेंड करेगा 0 के पास। एन स्क्वायर क्या है, एन क्या है 1/x, तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x². ठीक इस तरीके से -1/x - 1 +n α, यानी कि +α/x +β = 0। यहां से 8α + β का वैल्यू बताना है,
यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म नहीं है बाकी को एक तरफ लिख लिया, यानी कि इसे माइनस बीटा बोल देते हैं। चाहो तो उधर भी रख के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन आ रहा है ऐसे मैंने क्यों किया। चलो कोई नहीं, वैसे ही रख देते हैं। सॉल्व करो, अगर आप यहां जीरो पुट करते हो सबसे पहले क्या, अच्छा इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सब माइनस माइनस। हाँ वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स, और रूट सिर्फ ऊपर रह जाएगा, दोनों के नीचे में एक्स है, एक्स कॉमन ले लो। बीटा अलग है, बीटा आपके पास इसके साथ नहीं है, बीटा अलग है क्योंकि एक्स सिर्फ इसके साथ है ना, अल्फा के साथ। अभी देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है वन, क्योंकि ये जीरो जीरो अंडर रूट वन वन हो गया, प्लस अल्फा बाई आपके पास ये एक्स की जगह जीरो, ये प्लस बीटा का फॉर्म बन रहा है। ये देखो आपके पास अगर कुछ भी ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गया और नीचे सिर्फ अगर जीरो रह गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर कुछ भी वैल्यू रह जाता और डिनोमिनेटर में सिर्फ अगर जीरो बचता है, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते क्या होगा, और ये इसलिए मतलब पता नहीं लगाना क्या होता है, अनडिफाइंड मतलब वो वैलिड ही नहीं है वो वैल्यू, ठीक है। तो इसके ये वैल्यूज हम नहीं ले सकते, तो अब या तो इसे इंडिटरमाइन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जीरो बन चुका, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर नीचे नीचे जीरो बना, ऊपर अगर कुछ वैल्यू रह जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि आपके पास इनडिफाइंड अनडिफाइंड होगा, और अगर अनडिफाइंड नहीं करना है यानी कि हमें इनडिटर्मिनेंट करना है, तो उसके लिए या तो जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर उन सातों में से कोई एक फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होता है, जीरो बाई जीरो होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, वन का पावर इन्फिनिटी होता है, आपका जीरो का पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, नेक्स्ट आपका इन्फिनिटी का पावर जीरो होता है, एक दो तीन चार पांच छह फॉर्म हमने लिख लिया। इसी के साथ एक फॉर्म और होता है हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब ये किससे मैच कर रहा है भैया, नीचे में जीरो एक ही में है, तो हमें ये वाला टर्म क्रिएट करना पड़ेगा जीरो बाई जीरो, यानी कि वन प्लस एल्फा हमारे पास जीरो होगा, तो एल्फा इक्वल्स टू माइनस वन कह देंगे, ठीक है। एल्फा इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, अलग से लिख के रख लेते कहीं, एल्फा इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। अब अगर देख लो तो एक्स वाला टर्म तो सिर्फ इसमें है, इसे आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक ये टर्म बन रहा है और एक ये टर्म बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बीटा प्लस, ठीक है। दिस प्लस दिस, पहले लिमिट पूरे में था, पहले एक बार लिमिट इसमें लिखा, प्लस लिमिट इसमें लिखा इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू पुट करके देखो ये क्या आएगा आपके पास, वन माइनस वन बाई जीरो, अभी भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। यहां तो कुछ भी नहीं है, बीटा एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, तो इसमें कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर बीटा हमें वैल्यू मिल जा रहा है, जो हमें करना है इसमें करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें दिख रहा है कि रूट में एक तो रूट का टर्म है, रेशनलाइज ए माइनस बी के फॉर्म में है, रेशनलाइजेशन कंफर्म, करो रेशनलाइज। वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, ए माइनस बी है तो मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से, यहां प्लस अल्फा, ठीक है, ए प्लस बी से, तो वन और इधर तो अपने पास लिमिट जीरो, बीटा क्या वैल्यू दे रहा था, बीटा दे रहा है, बीटा ही दे रहा था, अभी लिमिट सिर्फ इतने में है, क्यों इसमें हमने लिमिट बीटा लगा के देखा, हमें बीटा वैल्यू मिल गया। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर तो रूट हटेगा और इसका स्क्वायर तो यही रहेगा। अब यहां से ये वन कटेगा, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर था, अब माइनस एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, यहां से एक एक्स गया एक एक्स गया, ठीक है। अब अगर वैल्यू पुट करो यहां पे, तो जीरो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा सिर्फ,
इधर लिख दो, यहां से जब जीरो पुट करोगे सारा कुछ हटते हुए सिर्फ अंडर रूट वन बचेगा, और ये वन अंडर रूट वन वन होता है, वन प्लस वन हमारे पास क्या हो गया टू, तो ये वैल्यू क्या आया माइनस वन बाई टू। इसे इधर लेके जाओगे तो बीटा इक्वल्स टू वन बाई टू आ जाएगा। पूछ क्या रहा आपसे, एट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ये हो गया माइनस फोर। 20 का ऑप्शन नंबर तीन। और इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने समाप्त कर लिया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।